बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर फायरिंग करवाई गई। इसकी जिम्मेदारी तो पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी, अब इस बात पर फायरिंग करने वाले शूटर्स ने भी मोहर लगा दी है। अब तक की जांच में ये बात साफ हो चुकी है कि हमलावरों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर ही इस वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल सलमान खान के घर पर 14 अप्रैल को गोलीबारी की गई थी। वारदात को अंजाम देने से पहले हमलावरों ने एक्टर के घर के आसपास 3 बार रेकी की थी। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में नई नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। इस घटना के बाद अब तक पुलिस के एक्शन की बात की जाए तो हमले को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी विकी गुप्ता और सागर पॉल को पुलिस ने गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं। दोनों हमलावरों को सलमान के बांद्रा स्थित घर पर फायरिंग करने का जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही दिया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक हमलावरों को 29 फरवरी से 1 मार्च के बीच सलमान खान के घर से महज 1 किलोमीटर दूर होटल ताज लैंड्स एंड के पास देखा गया था। पुलिस को शक है कि हमलावरों में से एक सागर पॉल लॉरेंस गैंग के संपर्क में था। वह 2 साल तक हरियाणा में रह चुका है। इस दौरान ही वह लॉरेंस गैंग के नजदीक आया था। दूसरे आरोपी विकी गुप्ता ने बाद में सागर को ज्वाइन किया था। जांच में एक और खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हमलावर एक भारतीय मोबाइल नंबर के भी संपर्क में बने हुए थे। दोनों हमलावरों को अंजाम देने के लिए करीब 1 लाख रुपए मिले थे। इन पैसों का इस्तेमाल हमलावरों ने किराए का घर खरीदने, बाइक लेने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए किया। दोनों ने पनवेल में स्थित सलमान खान के फार्म हाउस से करीब 13 किलोमीटर दूर एक घर किराए पर लिया था। यहां से ही दोनों फार्म हाउस की रेकी किया करते थे। डील के अनुसार दोनों को फाइनल पेमेंट काम पूरा होने के बाद दी जानी थी। 28 फरवरी को वे चंपारण से मुंबई के लिए रवाना हुए। 18 मार्च को होली के लिए वे चंपारण चले गए और 1 अप्रैल को वापस लौटे। 14 अप्रैल की सुबह बाइक पर सवार होकर दोनों ने बांद्रा में सलमान खान के घर पर फायरिंग की। हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग की। 4 गोलियां दीवार पर लगी, 1 गोली घर की उस गैलरी में लगी जहां सलमान अक्सर खड़े होकर फैंस का अभिवादन करते हैं। पुलिस की जांच में ये पता चला है कि गोली बाइक पर पीछे बैठे हमलावर सागर पॉल ने चलाई थी, जबकि विकी गुप्ता बाइक चला रहा था। बाइक चलाते समय विकी लॉरेंस गैंग के संपर्क में भी बना हुआ था। फिलहाल दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है और कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।